अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाती, मैं मर जाती तुम्हारे बिना। देखो करण, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और देखना तुम, हम दोनों मिलके ना सब कुछ ठीक कर लेंगे। पर तुम हिम्मत मत हारो करण, प्लीज। मैं जानती हूं करण, जो कुछ भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज सब कुछ भूल जाओ ना, प्लीज सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अपनी अलग पहचान बनाओ करण, ताकि हम भी सबको दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं है। सही कह रही हो तुम, हम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिएंगे। कल ही मैं रहने का इंतजाम करता हूँ, हमें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब तक चाहे ना यहाँ आराम से रह सकते हैं, और जो भी बात मेरे और अंबा जी के बीच में है उसका हमारे यहाँ रहने से कोई लेना देना नहीं। तुम चिंता मत करो करण, जैसा तुम ठीक समझो। थैंक्स एथल, मेरा साथ देने के लिए। हमेशा तुम्हारे साथ होकर जो होना था वो तो हो गया, अब हमें किसी भी हालत में दार्जी और करण के बीच में समझौता करवाना ही होगा। लेकिन कैसे मास्टर जी? अरे करण भी गुस्से में है और उसके दार्जी भी, हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन एक बात हो सकती है, अगर मोना बात करे ना तो बात बन सकती है, क्योंकि दोनों ही मोना से प्यार करते हैं, उसकी बात जरूर सुनेंगे, हैं? नहीं बा, मोना बच्ची उसका इस मामले में बोलना ठीक नहीं रहेगा। करण उसका भाई है वो ठीक है, पर इस घर का दामाद भी है, वो हमारे साथ रह रहा है, तब अगर इसने बहन का हक जताया ना तो बुरा लगेगा ना उसे, ठीक नहीं होगा। हाँ इस समय तो फिर कोई भी बात करके फायदा नहीं होगा, थोड़ा समय निकल जाने दो, दोनों का गुस्सा कम हो जाएगा, फिर बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि करण का गुस्सा इतनी जल्दी ठीक होने वाला है, क्योंकि हेतल को भी लगता है कि घर वालों ने करण के साथ अन्याय किया है, इसीलिए वो अगर करण क्या बात है, मेरे आते ही आप लोगों ने बात बंद कर दी। अरे तो और क्या करें? बीजल इस समय मामला बहुत नाजुक है, हाँ? तेरे सामने बात की और तूने बात इधर की उधर कर दी तो हम तो मुसीबत में फंस जाएंगे ना। अरे भारती किस किस को सफाई देते फिरेंगे हैं? तेरा कहने का मतलब है कि मैं इधर की बात उधर करती हूँ? अरे नहीं रे, तू बात इधर की उधर नहीं करती, बस तेरी जबान फिसल जाती है बीजल। ने, जब मेरी अपनी माँ को ही मुझ पर भरोसा नहीं है और किसी से क्या कहना। बीजल बहन सांभरो, ना ना भारती मास्टर जी
करण से क्या कहना है वो बाद में सोचेंगे। पहले हमें दारजी और गुरनाम जी से बात करनी पड़ेगी। अरे करण यहाँ रह रहा है, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, है भारती? हाँ, वो हमारे घर पर रह रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर छोड़ने के फैसले में हम उसका साथ दे रहे हैं। आओ बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठो बैठो, जय श्री कृष्ण। बैठो, अदरे अदरे, नाश्ता करो हमारे साथ। से तुम्हें ये सब तेल वाला नाश्ता पसंद नहीं आएगा ना? काई बंधु नहीं, ये एप्पल खाओ। खबर ना तो कह दूं, एप्पल खाने से खून बढ़ता है, हैं? इतनी तू भी खा, इतनी फीकी पड़ गई है। ले। अरे मोना, वो नवरात्रि की तैयारी का क्या हुआ? इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमने सर पे ले तो ली है, लेकिन अब ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है? हमारे करणवीर जी है ना, बाय गॉड, एक आवाज लगाएंगे पूरे मोहल्ले वाले तैयार हो जाएंगे हेल्प हेल्प कराने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? मैं आ सकती हूँ? आओ स्वीटी बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो। बैठो ना स्वीटी दीदी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आओ बैठो बैठो, चाय लो। करणवीर जी, आपका गुस्सा दारजी के साथ है, परमी जी के साथ है, मुझसे तो नहीं ना? फिर आप मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? हम क्या सोच रहे थे, अभी हम डांडिया शांडिया की प्लानिंग कर रहे थे, क्यों ना एक रात माता जी के लिए जगरात्रा भी रखें? हाँ, एकदम दिल्ली शैली स्टाइल में, बाय गॉड। हाँ, और एक रात हम रामलीला भी करेंगे, मैंने सुना दिल्ली की रामलीला बहुत फेमस है। हाँ हाँ, लेकिन ये सब करने में बहुत पैसा लगेगा, इतना चंदा इकट्ठा करना आसान नहीं है। करणवीर जी, हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। वैसे एक और तरीका भी है, पहले हम लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, जितना चंदा इकट्ठा होगा उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना करणवीर जी? एक खबर ना तो कह दूं, छोकरी है होशियार। लेकिन रामलीला के कपड़ों का क्या होगा? अरे मोहतरमा, कपड़ों की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी चिंता ना करें, बशर्ते हमारा भी कोई किरदार हो तो। हाँ मास्टर जी, वैसे ही आप कम सुनते हैं, ऊपर से जब आप ये मुकुट और विग पहनेंगे ना, तो पता नहीं आपके कानपुर में कौन सी वाली हड़ताल हो जानी है, बाय गॉड। अरे मोना बिटिया, कानपुर में हड़ताल होए तो होए, दिल्ली में तो नहीं होगी ना? क्या हमारे वास्ते कोई ऊंचा सुनने वाला किरदार नहीं बन सकता क्या, हैं? अच्छा ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या गल है, हम लोग कुछ ना कुछ बना ही देंगे। करणवीर जी, घर से फोन है। रामलीला की तो तैयारी हो गई है, डांडिया शांडिया की प्लानिंग करनी बाकी है।
सत श्री अकाल चाची जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसा है तू? कुछ काम था। हाँ पुत्र, वो गैस एजेंसी के कूपन तेरे नाल है ना? जी अभी भिजवा देता हूँ। पुत्र अगर तू ही जाता तो अच्छा रहता, घर में कोई नहीं है ना, और सिलेंडर खत्म हो गए हैं। मैं तो कभी गैस एजेंसी गई नहीं, अगर तू चला जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी सिलेंडर लेके आता हूँ। देखिए मैं खुद परेशान हूँ। शॉर्टेज का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ था। एक टंकी नहीं है गोदाम में। अच्छा, पूरी दिल्ली में तेरी एजेंसी में ही टंकियों का अकाल पड़ा हुआ है? भाई कौर, और कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है टंकियों की? अरे बहन जी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं कैसी बातें कर रही? ब्लैक में टंकियां बेचने के लिए तेरे पास माल है, और जो लोग नंबर लगा के खड़े उनके लिए टंकियों की शॉर्टेज है। क्यों? अगर टंकियों की शॉर्टेज सच में होती तो फिर न्यूज़पेपर में आता। आप ही लोग बताइए जरा, कहीं ना कहीं तो आता। न्यूज चैनल पे, पेपर में कहीं कोई खबर नहीं है। तो फिर ये मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए टंकियां ब्लैक में बेच रहा है। ये बहन जी बिल्कुल सही कह रही है, हमें बेकूफ बना रखा गया। कहाँ छुपा रखी है टंकियां? देख, तू सीधे सीधे मान जा, वरना ना पुलिस में कंप्लेन करके तेरी इस एजेंसी में छापा पड़वा देना है मैंने, बाय गॉड। और हाँ, इसे सिर्फ धमकी मत समझना, अगर पुलिस आ गई ना तो गोदाम के साथ साथ तेरा लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा, समझ ले। और इन सबसे मार खाएगा वो अलग। सुने ये भाई लोग सब सही कह रहे हैं, तेरी और तेरे दुकान का नक्शा बदल दूंगा, समझा? भाई लोग आगे बढ़ो। अरे यार देखिए, झगड़ा करने से क्या होगा, अब रुकिए मैं कोशिश करके देखता हूँ। बोल देवेंद्र जी, यहाँ गजब हो गया, लोगों की भीड़ बेकाबू होती जा रही है। अगर इन्हें सिलेंडर नहीं मिले तो ये मोहल्ले वाले मेरा कचूमर निकाल देंगे। अरे ठीक है, तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? जितनी भीड़ तेरे पास आई है ना, उन सबको एक एक गैस की टांकी दे और चलता कर, बाद में देखूंगा क्या करना है। अरे अरे ये क्या कह रहे हैं आप, अभी तो आपने कहा था कि आपके होते कुछ नहीं होगा, अब आपकी हवा खिसक रही है। देखिए ऐसा नहीं होगा, पहले आप दोनों मियाँ बीवी को कट दू और फिर सरकारी रेट पे गैस बेचू, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो भूखे मर जाऊंगा। अरे तू कैसे भूखा मर जाएगा, एक गैस की टांकी तू भी अपने घर ले जा और उस पर जाके ना स्वादिष्ट खाना बना और खा ले, बस अब तो भूखा नहीं मरेगा ना तू है। अरे देवेंद्र जी मेरे, जैसा बोला है ना तेरे को वैसा कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो मेरा शक सही निकला, ये है इस कल्याणी की बच्चे की असलियत। देखिए बात हो गई है, टंकियों की एक गाड़ी अभी अभी गोदाम में आई है, माल उतरते ही आपके घर पहुंचा दी जाएगी, अभी आप जाइए। और अगर नहीं पहुंची तो? तो बहन जी आपकी जूती मेरा सर, अभी आप जाइए, हाथ जोड़ता हूँ, अभी मेरे पास बहुत काम है, इंतजाम करना है। धन्यवाद बहन जी, आप नहीं आई होती तो टंकी नहीं मिलती हमें। चलो भाई चलो। मोना, अब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अब क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं अनुकल, तुम एक काम करो, तुम करणवीर जी के साथ घर चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो कर आती हूँ। कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं तुम जाओ ना, ये काम तो मुझे अकेले ही करना होगा। कौन थी वो छुरी, किसने भड़काया जनता को, किसने की थाने जाने की बात? मैडम जी मने कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सारा बवाल आपकी सहेली बिम्बी जी की बेटी मोना गांडी ने किया है। मोना ने? हाँ मैडम जी, उसी ने एजेंसी वाले को धमकी दी, तभी तो देवेंद्र जी ने आनंद फानंद में ऐसा गलत फैसला ले लिया। बहुत तेज है वो लड़की, केची की तरह जवान चलती है उसकी। ये मेरी बहू है मोना। नमस्ते नमस्ते, जीती रहे।
ना। उससे तो मिलके ही मारे को लगा था कि थोड़ी टेढ़ी चाल है छोरी की, बहुत चर्बी चढ़ी है ना उसके दिमाग पे। पर मारा वो इतना नुकसान करेगी इसका हमारे को अंदाजा ना था। आप ये सब काम निपटा लीजिए, तब तक मोना आ जाएगी। मास्टर जी जाइए। बहू ये कल्पेश को दे देना, मैंने पढ़ लिया है। जी जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। मोना कहाँ है? अपने किसी क्लाइंट से मिलने गई होगी, आते ही होगी अब। अच्छा ठीक है चल। बड़ी शराफत की देवी बनती है, झूठी मक्कार कहीं की, समझती क्या अपने आप को, चोर कहीं की। अरे जबान से तो उसके शहर टपकता है, और देखो तो जरा इसके दिमाग में कितना गंद है। छी 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 छी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। क्या बात है मोना बेटी, सुबह सुबह इतना गुस्सा किस पर हो रही हो? ये कल्याणी देवी पे। आपको पता है वो कॉर्पोरेटर हमारी मदद करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि अपनी तिजोरी भरने आई है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, बता देती हूँ। तू ये क्या कह रही है मोना? सही कह रही हूँ। आपको पता है शक तो मुझे तभी हो गया था इस पे जिस दिन उसने बोला था कि वो सिलेंडर गैस ब्लैक में खरीद लो। जब उस गैस सिलेंडर वाले से मैंने झगड़ा किया तो आपको पता है उसने किससे जाके बात की? किससे? कल्याणी देवी के पति से। मैंने सुना वो क्या कह रहा था कि आपने तो इतना बड़ा कट ले लिया है, और अब अगर आप ब्लैक में गैस देने के लिए मना करेंगे तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई गॉड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कल्याणी देवी अपना कमीशन खा रही है, हमें तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वही तो मैंने किया, छोड़ा नहीं उसे, जाके उसके ऑफिस में ना मैंने धमका दिया उसको कि देख ये सब नहीं चलेगा। हाँ अब तो मैं बस। ये क्या किया तूने मोना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानती नहीं तू ये नेता लोगों को अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी पता नहीं कल्याणी देवी क्या करेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, इससे पहले कि इसके हाथों में मरे खिलाफ कोई सबूत पड़ जाए और मरा एमएलए बनने का सपना चूर चूर हो जावे, मारे कोई कुछ करना पड़ेगा। इतना मजबूर कर दूंगी छोरी ने कि खुद चीख चीख के बोलेगी कि कल्याणी देवी बेईमान नहीं इंसानियत की मूरत है, और तब इस छोरी ने मारे कहर से कोई ना बचा पाएगा। वादा है ये कल्याणी देवी का। अंबा जी ये आप कैसी बातें कर रही? सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप चाहती हैं कि मैं चुप बैठी रहूं, और वो भी उस चोरनी के लिए? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया ना बेटा वो गलत है। इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, पहले तुझे घर आकर हम सबसे बात करनी थी, फिर हम सब मिलकर सोचते कि आगे क्या करना है। ये तुमने गलत किया बेटा, बिल्कुल गलत। बापूजी सही कह रहे, मोना तुम्हें इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठानी चाहिए थी। मम्मी जी का फोन। देखा अंबाजी, इस कल्याणी देवी ना जरूर मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। बाय गॉड फोन तो उठा। हेलो पुत्र, तू जल्दी से आ जा यहाँ पर, दारजी की तबीयत ना बड़ी खराब है। क्या? हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ फिर अब्बा हम आते। अम्बा जी दारजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, हमें जाना होगा। बापू जी हूँ जाऊँ छू, आप बा को बता देना। हाँ चलिए। इस घर में बदमिजाज और बददिमाग और बदतमीज लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये परमीत से माफी नहीं मांगा तो ये इस घर में नहीं रह सकता।
भाई साहब आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए, क्या हो गया आपको? पेशेंट की हालत बहुत खराब है, इमरजेंसी है, प्लीज बात को समझिए, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज। क्या हो, क्या हुआ? क्या हुआ विभिन्न, अचानक इतनी खराब तबीयत कैसे हो गई? पता नहीं, वो नाश्ता करते करते अचानक से उनकी सांसें भारी होने लगी, इससे पहले हम कुछ कर सकते वो बेहोश हो गए, तब से होश में आ जा रहे हैं। मैंने मोना को फोन लगाया तभी, उसके पापा जी तब से एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, आ जाएगी एम्बुलेंस, और मोना भी गई है मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाने, सब ठीक हो जाएगा। हो तो जाएगा भारती बहन जी, लेकिन कहीं देर ना हो जाए। हेलो, हेलो, हाँ जी, भाटिया हॉस्पिटल, हाँ जी, हाँ जी, मैं डेरावाला से बोल रहा हूँ। हेलो, की होया जी, एम्बुलेंस का कुछ पता चला? इंतजाम हो रहा है, इंतजाम हो रहा है विमी, हाँ जी, हाँ भाटिया हॉस्पिटल, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मैं डेरावाला से बोल रहा हूँ। अनुकल, पुत्र, जरा दारजी के साथ रहना, मैं अभी आई। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मम्मी जी, मैं यही हूँ दारजी के पास। हेलो, सुन, मैं घर जाकर बाबा पूजी को थोड़ा सब करके आ जाती हूँ। मोना के पापा जी कब से एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, तू कुछ कर देगी प्लीज? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तू कर देगी ना एम्बुलेंस का इंतजाम? चंगा है। बाया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुन्ना के दारजी की तबीयत ठीक ना है, अरे मारी शक्ल क्या देखे हो, जाओ एम्बुलेंस का इंतजाम करो, आगे के करना है वो मैं थारे को बताऊंगी।